इस तरह से जो गाड़ियां आती हैं करीब करीब 24 घंटे में यहाँ 18 घंटा ये गाड़ियां यहाँ रोकी जाती हैं। इसको रोकने वाले जो लोग हैं ये प्राइवेट लोग हैं, ऐसा बता रहे। नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की। सही मानों में कह दूं तो फटे हाल भिवंडी शहर में आपका स्वागत है, क्योंकि ये बैनर यहाँ लगाया गया है भिवंडी कल्याण नाका ट्रैफिक के जरिए। इसमें ऐसा बताया गया है कि हैवी गाड़ियाँ यानी 6 टायर से ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं भिवंडी शहर में उसकी एंट्री मना है। ये बहुत अच्छी बात है, मगर ट्रैफिक के जो जवान हैं बागे फिरदौस मस्जिद के पास खड़े रहकर ट्रैफिक क्लियर कराते हैं, और हैवी गाड़ियाँ यहाँ से सवेरे रात में और दिन में भी निकलते रहती है। भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है इन्हीं हैवी गाड़ियों की वजह से है। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ तो यहाँ ट्रैफिक के जवान भी नहीं है, और ये हिस्सा जो है ये रास्ता जाता है नासिक रोड के लिए, आगे चाविंद्रा अजुआ अजुआ ड्राई फ्रूट का शॉप है, उसके ठीक सामने ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एक पॉइंट है, उसमें एक जवान होता है मगर साथ में कलेक्शन करने वाले 3 से 4 जवान भी होते हैं जो वार्डन के नाम पर काम करते हैं। भिवंडी शहर का नासिक रोड, और यहाँ जो काम होता है आप देख रहे हैं, इस तरह से जो गाड़ियाँ आती हैं करीब करीब 24 घंटे में यहाँ 18 घंटा ये गाड़ियाँ यहाँ रोकी जाती हैं। इसको रोकने वाले जो लोग हैं ये प्राइवेट लोग हैं, ऐसा बताया जाता है कि भिवंडी ट्रैफिक ऑफिस कल्याण नाके से जुड़े हुए ये वार्डन है, और ट्रैफिक के जो जवान हैं उनका तो पता नहीं रहता, और ये काम यहाँ सवेरे करीब करीब 7:30 बजे से शुरू हो जाता है। इस तरह से गाड़ियों को रोक रोक कर उनसे वसूली की जाती है, और खुले आम ये कारोबार भिवंडी शहर में चलता है। और आइए बात करते हैं